होती, प्यार की कोई सीमा सीमा नहीं होती, प्यार किसी मजहब को नहीं मानता, प्यार किसी दीवार को नहीं मानता, और उस चीज़ को आसान अगर किसी ने बनाया तो आज के डेट में 3 इंच का चीज़ होता है जिसको हम कहते हैं मोबाइल। इस मोबाइल ने आज प्यार करना और आसान बना दिया। अब पूछिए कैसे? इस चीज़ को आसान बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी तरह तरह के नुस्खे आजमाए और उस चीज़ को बड़े सरल तरीके से ला करके उन्होंने सेट कर लिया। अब उस चीज़ को मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। आगे के 3 शब्द पहले या तो 7 लगाएं, या फिर 8 लगाएं, या फिर 9 लगाएं। ये 3 शब्द आगे के आपके 3 अंक सही होने चाहिए। पीछे का 9 अंक कोई भी आप लगा दें वो कहीं ना कहीं पकड़ लेगा। और जानते हैं क्या कहेगा? कहाँ भेंट होई केकरे पीछे मिलम, खाली आयम की कुछ लइयो के आयम। आज के डेट में जिस तरीके से संचार व्यवस्था में एक दूसरे की कंपटीशन हो चुकी है, सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहती है, हर एजेंसियां यहां आकर के कोई 48 रुपये का प्लान लेके आता है तो कोई 49 रुपये का प्लान लेके आता है, कोई 199 का लेके आता है तो कोई 399 का लेके आता है, या कब तक बताता है तो 84 दिन अनलिमिटेड। माता पिता समझते हैं क्या कि हमारा बाल बच्चा सो गया, हमारा बेटा बेटी सो गया, और ये रजाई ओढ़ लेते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं, कान में लीड लगा लेते हैं और इत्मीनान से गर्मी के दिन में भी चादर ओढ़ करके तब तक बतियाते हैं जब तक कि बैटरी चों चों नहीं करने लगती है। और उसी चीज को अगर लयबद्ध तरीके से अगर कहा जाए तो शायरों ने कहा कि छत पर चढ़ी के ए गोरी, छत पर चढ़ी के ए गोरी, टावर पकड़ावे दा, टावर पकड़ावे दा, तनी अपना बीएसएनएल में हमार हच लगावे दा, तनी अपना बीएसएनएल में हमार हच लगावे दा, छत पर चढ़ी के ए गोरी, टावर पकड़ावे दा, टावर पकड़ावे दा, तनी अपना बीएसएनएल में हमार हच लगावे दा, तनी अपना बीएसएनएल में हमार हच लगावे दा। हमारा ऐसन आशिक गोरिया तोहके नहीं मिली, चल तोहके घुमाए दी लाल किला की दिल्ली, हमारा ऐसन आशिक गोरिया तोहके नहीं मिली, चल तोहके घुमाए दी लाल किला के दिल्ली, सुरेंद्र सोलंकी के तनी नियरे आवे दा, सुरेंद्र सोलंकी के तनी नियरे आवे दा, तनी अपना बीएसएनएल में हमार हच लगावे दा, तनी अपना बीएसएनएल में हमार हच लगावे दा, छत पर चढ़ी के ए गोरी, अरे छत पर चढ़ी के ए गोरी, टावर पकड़ावे दा, टावर पकड़ावे दा, तनी अपना बीएसएनएल में हमार हच लगावे दा, तनी अपना बीएसएनएल में हमार हच लगावे दा। शायरों ने कहा कि कांटों की हिफाजत में रहते हैं चमन वाले, कांटों की हिफाजत में रहते हैं चमन वाले, फूलों को मसलते हैं फूलों से वदन वाले, ये शहर तो तुम्हारा है जो चाहे सजा दे दो, हम लोग हैं परदेसी और तुम हो वतन वाले। प्यार हमने पहले ही कहा कि प्यार किसी मजहब को नहीं मानता, प्यार किसी कांट, जिस तरीके से कांटों के बीच में गुलाब होता है, 32 दांतों के बीच में जिह्वा होती है, कीचड़ में कमल खिलता है, उसी तरीके से कहते हैं कि दिल एक मंदिर है, तुम एक मूरत हो, खुदा कसम तुम बहुत खूबसूरत हो, प्यार को किसने देखा,
किसी ने नहीं देखा। मेरा मानना है साफ साफ, मैं कहता हूं कि मन के भाव तो आंखों से पढ़े जाते हैं, मन के भाव तो आंखों से पढ़े जाते हैं, बोल दिल के धड़कनों से सुने जाते हैं, पर आप तो नादान हैं जो साफ सुनना चाहते हैं। प्यार के जज्बात तो सिर्फ महसूस किए जाते हैं। वाह 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 वाह, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और कभी भी अगर प्यार करना है और प्रेम करना है, प्रेम को समझना चाहते हैं, तो हमारे इन छोटे से शब्दों पे गौर जरूर कीजिएगा और एक बार आजमा के देखिएगा कि आपका मोबाइल कहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। एक कमेंट में जरूर बताइए, एक कमेंट जरूर कीजिएगा इस पे, ताकि हम कलाकारों का मनोबल बढ़े और अगली बार जो हम आपसे करें तो कुछ ना कुछ इससे अलग हट करके जो आपके सुझाव हों, उस सुझाव को हम गौर करते हुए कुछ अपने कला का आकार दूसरे तरीका से आपके सामने पेश करें। नमस्कार। थैंक यू। चलिएगा बहुत।